सर, जैसे कि 2007 में आप बाबा रामदेव जी को लेके आए थे और अब 16 साल बाद आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार को लेके आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जब स्वामी रामदेव जी आए पठानकोट में सुबह 4 बजे 30-30, 40-40 हजार लोग वो योग अटेंड करने आते थे और तब मुझे लगा कि लोगों को बहुत फायदा हुआ है और अब हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, अगर हम थोड़ा टाइम भगवान को भी दे दें पूजा पाठ कि जो भी पार्टी ऊपर से लेके आपके ऊपर कोई कैंडिडेट को थोपती है ना उसको इधर घुसने मत दो। आपको अपना एक्सपीरियंस आपने देख लिया कि एमपी बनाते हो ढूंढना पड़ता है, फिर पोस्टर लगाना पड़ते हैं कि कहाँ है। अगर हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है तो गुरदासपुर की तरक्की क्यों नहीं हो रही? मैं मान सकता हूँ बॉर्डर स्टेट है लेकिन इसका ही मतलब नहीं है कि इधर इंडस्ट्री लग सकती है। और मैंने पैसे तो लेने नहीं प्रिया, मैं तो हंस के बोलूंगा कि कोई भी जिसका काम है चाहे ओ डी सी साहब हो, SSP साहब हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जल्दी से काम कर दो इसका ताकि इसको दारा चक्कर नहीं लगाना पड़े। और मुझे करप्शन से तो एक सख्त नफरत है, जो करप्शन वाला आदमी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो। AMI News देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। जैसे कि पता है कि पंजाब में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन होगा जिसको लेकर दूर दूर से जम्मू हिमाचल और अन्य कई क्षेत्र से लोग यहां पर आके अपनी हाजिरी लगाएंगे, उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पठानकोट की महान शख्सियत व्हाइट मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन स्वर्ण सलारिया जी जो कि गुरदासपुर की एमपी सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। सर जैसे कि पंजाब में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन होगा तो इसको लेकर क्या सुरक्षा है, कितने भक्तों के आने की संभावना है? सबसे तो पहले मेरे सारे देखने वाले व्यूअर जितने भी हैं AMI के उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और सबके लिए एक खुशखबरी है कि बागेश्वर धाम सरकार परमादरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज नॉर्थ इंडिया में पहली बार आ रहे हैं, उसमें पंजाब और पंजाब के बाद पठानकोट। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमें उनके दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई पास की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओपन दर्शन है, आप आइए। 2 लाख भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। टाइमिंग 3:30 से 7:30 बजे 21, 22, 23, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जिनके पास VIP का कोई कार्ड नहीं है उनकी भी एंट्री उसी तरह की है, तो किसी के पास जाने की रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हर उस परिवार को उस भाई बहन को विनती करूंगा कि कितने बड़े महान संत गुरु सनातन धर्म के पहली बार पठानकोट आ रहे हैं, दर्शन मिस मत करना। कुछ भी हो, सैटरडे संडे और मंडे का सवाल है, छुट्टियों के दिन है, माता के मिलकर नवरात्रि भी हैं, हमारे सबके लिए बहुत बहुत अच्छे शुभ दिन हैं। इसका फायदा उठाओ, आशीर्वाद लो, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं जहाँ दवाई काम नहीं करती है वहाँ दुआएं काम करती हैं, और संतों का आशीर्वाद हमारे लिए दुआएं हैं और बड़े खुशी का मौका है, एंजॉय करें। सर जैसे कि 2007 में आप बाबा रामदेव जी को लेके आए थे और अब 16 साल बाद आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार को लेके आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे गाँव के लोग, मेरे भाई बहन जब वो बीमार होते हैं, स्वामी रामदेव के टाइम पे तो अस्पताल में जाने से बड़ा खर्चा होता था, 1-2 लाख 50 हज़ार, और स्वामी रामदेव जी ने कुछ टिप्स दिए हैं कि आप योग करो। और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जब स्वामी रामदेव जी आए पठानकोट में सुबह 4 बजे 30-30, 40-40 हजार लोग वो योग अटेंड करने आते थे और तब मुझे लगा कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और अब हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, अगर हम थोड़ा टाइम भगवान को भी दे दें पूजा पाठ और गुरु जी क्या बताएंगे, महाराज जी क्या बताएंगे, क्योंकि दीनेन्द्र शास्त्री जी भी आज बहुत बड़ी शख्सियत हैं
धर्म गुरुओं के हिसाब से। तो मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ये अगर दर्शन करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई मैं काम मेरे गुरदासपुर लोकसभा जहां मैं पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, उन लोगों के लिए करूं। तो सर आपकी एक फाउंडेशन है सलारिया जनसेवा फाउंडेशन, उसकी इस वक्त कार्यशैली क्या है और इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? देखो सलारिया जनसेवा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके मेंबर बनने पे आपका सिर से पौन तक इलाज फ्री है, वो भी एक साल दो साल नहीं पूरे 5 साल, और जो उनके घर के मेंबर हैं उसका जो भी इलाज होगा वो 50% प्राइस पे होगा, जो भी बिल बनेगा हॉस्पिटल का। लेकिन मेंबर बनने के लिए सिर्फ हर एक एरिया में हमारे जो मेंबर हैं, एक एमएलए के एरिया में हमारा एक डायरेक्टर है, उसके नीचे 25 डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन एक डायरेक्टर के नीचे 10 गांव हैं, हर गांव का एक विलेज प्रेसिडेंट है, और हर गांव में एक प्रेसिडेंट के पास 30 घर है, और एक घर से सिर्फ एक मेंबर है। अमेजिन करो तो भी 1,15,000 टोटल मेंबर हो गए हैं। अभी तक तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इतने ही मेंबर रखें, इनको बढ़ाए नहीं, क्योंकि पहले इनको सर्विस दे लें, उसके बाद फिर 5 साल के बाद रिव्यू करेंगे, कुछ और ऐड करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हेल्थ केयर महंगी है और मेरे एरिया में हेल्थ केयर की और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं और हेल्थ केयर रह गया था, ये भी फ्री कर दी है। इसके अलावा भी मैंने हेल्थ केयर के लिए एक पैकेज दिया है व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, पैकेज 9,500 से लेके 19,500 तक है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन 9,500 रुपये का है, 19,500 रुपये में कोई 20 आपकी सर्जरी शरीर की है वो 5 दिन का पैकेज है। क्योंकि मैंने देखा नॉर्मल जो गांव खेड़े के लोग हैं बेचारे घर में बैठे रहते हैं, यही डरते हैं कि बहुत हमें पैसे देना पड़ेंगे, और मुझे लगा भी है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई रेट तो फिक्स है नहीं, 50,000 भी चार्ज करते हैं, 1,00,000 भी करते हैं, 2,00,000 भी करते हैं। लेकिन मैंने ये बोल दिया कि 20,000 के ऊपर कोई इलाज नहीं है, तो मैं सब मेरे परिवारों को जो अपना इलाज करवाना चाहता है, कोई ऑपरेशन करवाना चाहता है, पथरी का ट्रीटमेंट है, किसी तरह के भी, 24 घंटे हस्पताल आपके लिए खुला है, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं आपके पास, बेस्ट इक्विपमेंट है, और सबसे बड़ी बात है वातावरण इतना अच्छा है कि आप देखोगे तो आधे तो वैसे ही आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी बेनती है कि जो लोग डरते थे कि हस्पताल में इलाज महंगा हो गया है, व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपके बेटे का है, आपके परिवार का है, इसमें पैसे नहीं बनाए जाएंगे, इसमें सिर्फ सेवा की जाएगी। क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार का लक्ष्य एक है, मेरे फादर साहब फ्रीडम फाइटर थे और मैं उनके संस्कारों पर चल रहा हूँ, सिर्फ मेरे हल्के की सेवा के लिए ये सब कुछ खोला गया है, ये लक्ष्य है सलारिया जनसेवा फाउंडेशन का। सर अगर बात करें 2024 लोकसभा इलेक्शन की, अगर आपको MP सीट पे गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो आपका इस पे निर्णय क्या होगा? प्रिया निर्णय तो मेरा ये होगा कि मैं फील करता हूँ कि लीडर बड़ा हो छोटा हो, तमन्ना एक होती है कि नहीं मैं इलेक्शन लड़ूं, और इलेक्शन लड़के एक पावर गेन करूं ताकि मैं जो चाहता हूं वो सेवा कर सकूं। और सेवा कर सकते हो कब आप? जब आपके पास पावर होती है। मैं ती गुरदासपुर लोकसभा के सब मेरे परिवारों भाई बहन जितने भी हैं बेनती करूंगा कि जो भी पार्टी ऊपर से लेके आपके ऊपर कोई कैंडिडेट को थोपती है ना, उसको इधर घुसने मत दो। आपको अपना एक्सपीरियंस आपने देख लिया कि MP बनाते हो ढूंढना पड़ता, फिर पोस्टर लगाना पड़ते हैं कि कहाँ है, वोट उसको दो जो आपके दुख सुख में काम आए, जो आपका अपनापन समझे। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर लोकसभा गुरदासपुर में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरे बच्चे गांव में जाओ ड्रग्स के से लिपटे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों भाई, अगर हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है तो गुरदासपुर की तरक्की क्यों नहीं हो रही? मैं मान सकता हूँ बॉर्डर स्टेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इधर इंडस्ट्री लग सकती, लेकिन जुनून चाहिए काम करने के लिए। मैं आपके बीच हूँ, गांव से हूँ, आज ये मेडिकल कॉलेज जो बंद पड़ा था ये भी किसी कांग्रेस लीडर का था, मैंने लिया आज चलाया ना। आज चलाने से हजारों डॉक्टर बनेंगे, हजारों नर्सेज बनेंगे, हजारों पेशेंट इधर से ठीक होके जाएंगे।
क्योंकि मुझे वो दर्द है जो मेरे एरिया का दर्द है। मैं चाहता हूं मेरे एरिया के बच्चे ड्रग से बाहर निकले, इंडस्ट्री बन लगे, काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। वो कब होगा? जब आप एक अच्छे इंसान को वोट दे के जो आपके लिए काम करे उसको एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, जो बनाना बनाओ। पर जहाँ तक स्वर्ण सिलारे का सवाल है, मेरे को इस बार मौका मिला तो मैं तो डेफिनेट डिसाइड करके बैठा हूँ कि जो काम पिछले 75 साल में हुआ आगे आने वाले 5 साल में होगा। अगर आप ये सीट जीत जाते हैं, भगवान करे आप ये सीट जीते, तो आपको नहीं लगता एक तरफ आपका पॉलिटिक्स में पैर पड़ जाएगा और समाज सेवा आप कर ही रहे, तो आपको नहीं लगता आप पे बर्डन बढ़ जाएगा थोड़ा सा? आई थिंक समाज सेवा ही तो है, जो मेडिकल कॉलेज है लोगों को मैं आज 9,000-10,000 पे उनके ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, समाज सेवा है। मैं कोई प्रॉफिट ही ले रहा हूँ क्योंकि आपने सब देखा, जाओ आप जितने लोग इधर है मेरे पास सब गरीब लोग हैं। वो कोई जो करोड़पतियों कोई नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास इधर आता है वही आता है जो मेरे जैसा है, गाँव खेड़े से, जिसको रियली जरूरत है। बर्डन का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि आपके पास काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ होता है जो आपके काम को डिवाइड कर देता है। आपने फ़ोन उठा के करना है कि देखो ये काम कर दो, और मैंने पैसे तो लेने नहीं प्रिया, मैं तो हंस के बोलूँगा कि कोई भी जिसका काम है, चाहे वो डीसी साहब हो, एसएसपी साहब हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि भाई जल्दी से काम कर दो इसका, ताकि इसको धारा चक्कर नहीं लगाना पड़े। और मुझे करप्शन से तो एक सख्त नफरत है, जो करप्शन वाला आदमी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मैं उसको नहीं खड़ा कर सकता। बिकॉज एक ही चीज़ है जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है, वो करप्शन, वो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए कुछ एक लोग मेरे साथी जो मेरे इस मेरी आदत के खिलाफ है कि ना ही करप्शन करता है ना ही करने देगा, वो शायद कभी मेरे अगेंस्ट भी हो जाते हैं, मेरे लिए दुविधा भी है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लोगों के लिए मैं काम करूँ बगैर किसी करप्शन के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे चैनल पे आए, बातचीत की। सो हमने बातचीत की स्वर्ण सिलारिया जी से, उन्होंने हमें जानकारी दी बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, उन्होंने बताया, टाइमिंग्स बताई और आपने भी सुना, और 2024 के इलेक्शंस को लेकर भी इन्होंने बातचीत की। सो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल AMI News के साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।